नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि मार्च 2023 के महीने में आ चुकी है सरकारी विभागों में बंपर भर्तियां। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए 8 नई सरकारी नौकरियों की जानकारी लेकर आए हैं जिन भर्तियों के आवेदन शुरू हो चुके हैं। ऑल इंडिया की यह भर्ती है। दोस्तों, अगर आप भारत के किसी भी राज्य या जिले में रहते हैं तो आप सभी मेल फीमेल लड़के लड़कियां जो है इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन दोस्तों शुरू हो चुके हैं। अगर आप कक्षा 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए मार्च 2023 के महीने में यानी कि इस महीने के अंदर बंपर भर्तियां हैं। दोस्तों, इन भर्तियों के लिए आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी। बिना परीक्षा के अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इन सभी भर्तियों के लिए आवेदन जरूर कीजिएगा क्योंकि दोस्तों यहां पर आपकी कोई भी भर्ती में परीक्षा नहीं होने वाली है, सीधी भर्ती है। तो दोस्तों, वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको भर्तियों की पूरी जानकारी देंगे। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। रोजाना इसी प्रकार सरकारी भर्तियों की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस साल 2023 में मार्च के महीने की बंपर भर्तियों के बारे में जो कि सरकारी विभागों की नई भर्तियां हैं। 8 नई भर्तियों के फॉर्म आ चुके हैं दोस्तों, जिसकी लास्ट डेट जो है 31 मार्च 2023। तो दोस्तों, 31 मार्च से पहले आवेदन जरूर कीजिएगा। ऑल इंडिया की भर्ती है। भारत के किसी भी राज्य या जिले में आप रहते हैं तो आप सभी मेल फीमेल लड़के लड़कियां जो है अप्लाई कर सकते हैं इन भर्तियों के लिए। चलिए दोस्तों, बाकी सभी जानकारी के लिए सीधा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। दोस्तों, हमारी जो नंबर वन वेबसाइट है वो है सरकारी टुडे न्यूज.com। दोस्तों, यहां पर आपको सरकारी नौकरियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है, तो वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा, जानकारी लेकर के अप्लाई जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए अलग अलग सरकारी विभागों की भर्तियों की जानकारी लेकर आए। तो सबसे पहले नंबर की जो भर्ती निकल कर आ रही है वो आपके सामने है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भर्ती। जी हां दोस्तों, आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सीधी भर्ती का नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है इस साल 2023 का। आवेदन आपसे ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं बाई पोस्ट ही। ऑल इंडिया की यह भर्ती निकाली गई है मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों, यहां पर जो पोस्ट जारी की गई है वो आप देख सकते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की पोस्ट है। दोस्तों, यहां पर जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है बिना एग्जाम के बिल्कुल सीधी भर्ती का है। सैलरी आपको कम से कम 18,000 और अधिकतम जो है 1,42,000 रुपए महीना सैलरी भी मिल रही है। एज लिमिट की बात की जाए तो कम से कम 18 साल है, अधिकतम जो है 30 साल है और आयु सीमा में छूट भी है सरकार के नियमानुसार। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो सभी कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी कैंडिडेट्स जो है फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस भर्ती के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो कम से कम 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर अगर आप ग्रेजुएट पास भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं, 17 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है। दोस्तों, यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा जिससे आप चेकआउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 17 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है और यहां पर कौन कौन से पद है वो आप पूरे पदों की सूचना यहां से देख सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। आवेदन जो है 17 मार्च तक चलेंगे, बाकी सभी जानकारी आप यहां से लेकर के आवेदन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरे नंबर की भर्ती की ओर जो निकाली जा रही है, BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती जो कि इस साल 2023 की नई भर्ती है। जी हां दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF की तरफ से आ चुकी है कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पदों पर नई भर्ती। कुल पदों की संख्या 1,284 है। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों, डिफेंस की जॉब है, सैलरी आपको 21,700 से लगभग 70,000 रुपए महीना सैलरी मिल रही है और सिलेक्शन का जो प्रोसेस रखा गया है उसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट दिया जाएगा। एज लिमिट की बात की जाए तो कम से कम 18 साल है, अधिकतम जो है 25 साल है। आयु सीमा में छूट भी है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए है, एससी एसटी फीमेल के लिए, एक्सरसाइजमैन के लिए बिल्कुल फ्री है और जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स को जो 100 रुपए का पेमेंट करना है ऑनलाइन करना है किसी भी माध्यम से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सिर्फ 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए भर्ती है। अगर आप 10वीं के अलावा 12वीं पास भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन जो है 26 फरवरी से 27 मार्च तक चलेंगे। दोस्तों, यहां पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं और यहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन आपके सामने है, पूरी भर्ती की जानकारी यहां पर दे रखी है, आप यहां पर देख सकते हैं 1,284 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। दोस्तों, इसके आवेदन कब से कब तक चलेंगे वो पूरी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एक और नई भर्ती की ओर जो निकाली जा रही है, होमगार्ड के पदों पर नई भर्ती इस साल 2023 की।
जी हाँ दोस्तों, झारखंड होम डिफेंस कॉर्प्स की तरफ से आ चुकी है नई भर्ती, जो कि होमगार्ड के अलग अलग पद है। होमगार्ड के रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के पद हैं, जिसके लिए सातवीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों होमगार्ड की अर्बन शहरी क्षेत्र के लिए भी भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए दसवीं पास कैंडिडेट्स जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, वहीं दोस्तों कुल पदों की संख्या 1478 है। आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। एज लिमिट जो है 19 से 40 साल रखी गई है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपका फिजिकल का टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। सैलरी आपको 14,000 से 60,500 रुपए आपको महीना सैलरी मिल रही है। एप्लीकेशन फीस जो है सभी कैंडिडेट्स के लिए आप दे सकते हैं 100 रुपए का चार्ज है, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। वहीं दोस्तों क्वालिफिकेशन जो है सातवीं से लेकर के दसवीं पास तक के लिए भर्ती है। झारखंड की जॉब लोकेशन है यहां पर दोस्तों। आवेदन जो है 21 फरवरी से 17 मार्च तक चलेंगे। यह रहा लिंक अप्लाई करने का, यहां से आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सभी जानकारी दोस्तों आपको इस नोटिफिकेशन में दी गई है, अप्लाई करने से पहले इसे चेकआउट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं एक और नई भर्ती की जो निकाली जा रही है यूपीएस की तरफ से, यानी कि आप इसने ईपीएफओ की नई भर्ती की। जी हां दोस्तों, इस साल 2023 की ईपीएफओ की नई भर्ती का नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी हो चुका है यूपीएससी के द्वारा। यहां पर जो वैकेंसी है एनफोर्समेंट ऑफिसर की है, अकाउंट्स ऑफिसर की है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की वैकेंसी भी है। कुल मिलाकर 577 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। दोस्तों इस भर्ती के आवेदन जो है आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए। सिलेक्शन का जो प्रोसेस रखा गया है उसमें सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। सैलरी आपको 46,000 से 55,200 रुपए महीना मिलेगी। एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम जो है 35 है। आई सीमा में छूट भी है सरकार के नियमानुसार। एप्लीकेशन फीस जो है सभी कैंडिडेट्स के लिए 25 रुपए है, एससी एसटी के लिए फ्री है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा किसी भी माध्यम से। वहीं दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहां पर बैचलर डिग्री पास के लिए भर्ती निकाली गई है। अगर आप ग्रेजुएट पास है किसी भी विषय के अंतर्गत तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन जो है 25 फरवरी से 17 मार्च तक चलेंगे। यह लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ, यहां पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं एक और बंपर वैकेंसी के बारे में, जो कि नेहरू युवा केंद्र संगठन यानी कि एनवाईकेएस की तरफ से वॉलंटियर के पदों पर 2023 की बंपर वैकेंसी है। वॉलंटियर के पद यहां पर जारी हो चुके हैं, 13,000 से अधिक पद जारी किए गए। आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की यह भर्ती है मेल फीमेल सभी के लिए। दिल्ली की जॉब लोकेशन है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है दोस्तों यहां पर बिना एग्जाम के केवल इंटरव्यू या फिर मेरिट के आधार पर सिलेक्शन रहेगा। एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है, अधिकतम जो है 29 साल है। सैलरी आपको 5,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सिर्फ दसवीं क्लास पास के लिए भर्ती निकाली गई है। दोस्तों अगर आप दसवीं क्लास पास है तो आप सभी कैंडिडेट्स जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों बात की जाए कि यहां पर आवेदन कब से कब तक चलेंगे, दोस्तों इसके आवेदन जो है 9 मार्च तक चलेंगे। आवेदन शुरू हो चुके हैं, 9 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है। यहां पर आपको अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, यहां से आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की एक और नई भर्ती के बारे में, जिसका नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि बीओबी बैंक की तरफ से इस साल 2023 की नई भर्ती आ चुकी है। यहां पर जो पद हैं आप देख सकते हैं, एक्विजिशन ऑफिसर के पद है, फैकल्टी के पद है, अटेंडर और ऑफिसर के पद है। 546 पदों पर भर्ती है। आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस रखा गया है वो आपका बिना एग्जाम के केवल इंटरव्यू के माध्यम से रखा गया है। एज लिमिट जो है यहां पर कम से कम 21 साल है, मैक्सिमम जो है 50 है। आई में छूट भी है। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपए है प्लस जीएसटी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 100 रुपए है प्लस जीएसटी। पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना होगा। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहां पर ग्रेजुएट पास अगर आप हैं किसी भी विषय के अंतर्गत तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन जो है 22 फरवरी से 14 मार्च तक चलेंगे। यह लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा, यहां पर आप 1x1 करके जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपके सामने है, पूरी जानकारी यहां पर दी गई है। बात करते हैं दोस्तों एक और बंपर वैकेंसी की जो निकाली जा रही है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से इस साल 2023 की नई भर्ती आ चुकी है 5,450 पदों पर, यानी कि लगभग 5,500 पद जारी किए गए। नॉन आईटीआई के लिए आप सकते हैं दसवीं पास आवेदन कर सकते हैं, आईटीआई के लिए आईटीआई पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। सिलेक्शन का जो प्रोसेस रखा गया है केवल मेरिट के आधार पर है। सैलरी आपको एज पर रोज मिलेगी। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया की है। एज लिमिट जो है 15 से 24 साल रखी गई है। एप्लीकेशन फीस सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो केवल दसवीं पास या फिर आईटीआई पास कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन जो है 1 मार्च से 30 मार्च तक चलेंगे। ठीक है, यह रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं एक और बंपर वैकेंसी की जो निकाली जा रही है डीआरडीओ की तरफ से, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से।
दोस्तों यहां पर जूनियर रिसर्च फिलो जेआरएफ की पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके आवेदन आपसे ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं। 31,000 रुपए महीना आपको वेतन मिल रहा है। सैलरी ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। एज लिमिट जो है मैक्सिमम 28 साल है, रिलैक्सेशन भी है रिजर्व कैंडिडेट्स को। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बीटेक एमई एमटेक पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है 21 दिनों के भीतर आपको करना है। ये रहा लिंक अप्लाई करने का नोटिफिकेशन के साथ। नोटिफिकेशन आपके सामने है दोस्तों, नोटिफिकेशन के नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है जिसको आपको भर करके सबमिट करना। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और नई भर्ती की जो निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं फायरमैन ड्राइवर ऑपरेटर की भर्ती। जी हां दोस्तों, 1317 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। यहां पर आपका रिटन एग्जाम के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। सैलरी आपको 19,000 से 21,700 रुपए महीना मिलेगी। एज लिमिट जो है 18 से 37 साल है। रिलैक्सेशन भी है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल के लिए 1,000 है, एससी बीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 250 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 200 है। पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना होगा। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 8वीं 10वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। पंजाब की जॉब लोकेशन है। दोस्तों एक और नई भर्ती जो है आपको बता दें कि रोडवेज की तरफ से है, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से। ड्राइवर के पद जारी किए गए हैं, लगभग 276 पदों पर भर्ती है। आवेदन आपसे ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, यहां पर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, केवल आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। सैलरी आपको एज पर रूल्स मिलेगी। एज लिमिट जो है 18 से 45 है और आईसीयू में छूट है। एप्लीकेशन फीस सभी के लिए 300 है, जिसका पेमेंट आपको डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी के द्वारा करना है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10वीं पास अगर आप है ड्राइविंग लाइसेंस के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। 14 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसे आप चेकआउट कीजिएगा और अप्लाई जरूर कीजिएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको यहां पर दिया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की नई भर्तियों की जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।